गाइस, आई एम वर्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हॉल वीडियो होने वाला है एजियो से। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अवासा ब्रांड की कुर्तीस, साथ में शोरना ब्रांड की कुर्तीस। एंड ये जो कुर्तीस है, मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में फेस्टिवल काइंड ऑफ कुर्तीस यहाँ पे लिया हुआ है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो अगर ज़्यादा सा भी हेल्पफुल लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिए। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी जो मैंने यहाँ पे कुर्ता वियर किया हुआ है, ये भी है एजियो से एंड अवासा ब्रांड का ये कुर्ता है। इफ आप लोग इसका रिव्यू जानना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट कुर्ते। सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता जो की है अवासा ब्रांड से। एंड ये टू पीस कुर्ता है जिसमें की इनर में हमें एक कुर्ती मिलती है एंड आउट में एक इथनिक जैकेट मिलती है। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुर्ती की। सो गाइस, ये जो कुर्ती है मैंने अवासा ब्रांड से लिया हुआ है। इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज में। सो इस तरह की ये एक स्लीवलेस कुर्ती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मटेरियल है इसका कॉटन, स्लीवलेस कुर्ता मिलता है हमें इसमें। एंड यहाँ पे जो है गोटा पट्टी वाला बॉर्डर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। स्लीवलेस कुर्ता है एंड ऑल ओवर जो कुर्ता है पूरा प्रिंटेड कुर्ता है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। गोल्डन कलर से इस पर पूरा प्रिंट बना हुआ है। ये जो कुर्ता है इनर में आएगा एंड इसके आउटर में हमें यहाँ पे एक जॉकेट मिलती है, इथनिक जॉकेट। इसका जो इस कुर्ते का जो पूरा लुक है जॉकेट से आता है। ये जो जॉकेट हमें मिला है काफ़ी ब्यूटीफुल जॉकेट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। नेक में इस तरह से पूरा ये जो है गोटा पट्टी वाला लेस लगा हुआ है। सो इस तरह से एम्ब्रॉयडर वर्क किया हुआ है, साथ में गोटा पट्टी वाला लेस लगा हुआ है योक पार्ट में। सो इस तरह का ये जॉकेट है एंड इसमें हमें 3/4 स्लीव्स मिलती है। स्लीव्स में इस तरह गोटा पट्टी वाला लेस लगा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल जॉकेट है ये। एंड इसमें पूरे जॉकेट में जो है आप देख सकते हो फॉयल प्रिंट बना हुआ है। सो गोल्डन कलर से फॉयल प्रिंट बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल फॉयल प्रिंट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ये जो जॉकेट है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इस तरह से टायर्ड वाली जॉकेट है ये, टायर्ड ड्रेस वाली जॉकेट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। इस तरह की ये जॉकेट है, मस्टर्ड येलो कलर में है। मटेरियल है इसका कॉटन, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाला कॉटन है। जॉकेट का भी जो मटेरियल है कॉटन है एंड इसका जो कुर्ती है इसका भी जो मटेरियल है कॉटन है, काफ़ी सॉफ्ट वाला मटेरियल है। ये कुर्ती मुझे काफ़ी पसंद आई है फेस्टिव सीजन के लिए। ये जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर है, आप इसे इजीली वेडिंग सीजन में, हल्दी फंक्शन में इजीली कैरी कर सकते हो। आप वियर करके देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये जो जॉकेट है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये वाला जो कुर्ता पीस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड इसे मैंने बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में लिया हुआ है। इसे मैं मेंशन कर दूंगी कि किस प्राइस मैंने इसे लिया हुआ है। इस प्राइस में जो डील है बहुत ही बेस्ट है। मटेरियल साथ में इसकी डिज़ाइन साथ में इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। अवासा ब्रांड जो है हमें बहुत कम प्राइस में बहुत ही अच्छे वाले ब्यूटीफुल से कुर्ते प्रोवाइड कर देता है। सो ये जो कुर्ता है मुझे बहुत अच्छा लगा है, वियर करने पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगा है। एंड चलिए मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ते की ओर। सो गाइस, ये है मेरा नेक्स्ट कुर्ता जो अगेन से है अवासा ब्रांड से। एंड इसे भी मैंने लिया हुआ है स्मॉल साइज में। इसका एक्चुअल प्राइस है 1299, बट मैंने आई थिंक इसे अंडर 500 रुपीज़ में लिया हुआ है। किस प्राइस में लिया है मैं इसमें मेंशन कर दूंगी कि मैंने यहाँ किस प्राइस में लिया है। सो इस तरह का लाइट ग्रीन कलर में ये कुर्ता है। इसका भी जो मटेरियल है कॉटन मटेरियल है। नेक में हमें इस तरह का राउंड नेक मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वाला डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो पिंक कलर से यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया गया है। साथ में हमें इसमें स्लीव्स मिलती है, हाफ स्लीव्स मिलती है एंड स्लीव्स में भी जो है इस तरह से पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न बना हुआ है पिंक कलर एंड सिल्वर कलर वाले थ्रेड से। सो इसमें थ्रेड वर्क मिलता है हमें स्लीव्स में एंड साथ में इसमें नेक डिज़ाइन में। योक पार्ट में जो है कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको शायद कैमरे में दिखे, योक पार्ट में इस तरह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है थोड़ा सा थ्रेड वर्क किया गया है एम्ब्रॉयडर्ड वाला, कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सो इस तरह का ये एक ए लाइन कुर्ता है जो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, पूरा ए लाइन ड्रेस है ये। एंड साथ में यहाँ पे इसमें टाई अप करने के लिए डोरी भी मिल जाती है। इस तरह से जो टाई अप वाले डोरी वाले जो कुर्ते होते हैं मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। इसकी जो फिटिंग रहती है बहुत ही अच्छी आती है, हम डोरी का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से फिटेड कर सकते हैं कुर्ते को। सो इस तरह से पूरा ऑल ओवर जो कुर्ता है पूरा प्रिंटेड पैटर्न है।
इस तरह से पूरा प्रिंटेड वाला क्लॉथिंग मटेरियल है ये। इसमें ऊपर से प्रिंट नहीं किया गया है, ये जो मटेरियल है कॉटन का मटेरियल कुर्ते का, इसी ये वाला जो कपड़ा है ये ही प्रिंटेड कपड़ा है। सो इस तरह से जो है पूरा फ्रंट साइड एंड बैक साइड से ये जो कुर्ता है प्रिंटेड है। एंड इसकी जो फिटिंग आई है मुझे बहुत ही अच्छी आई है, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। टर्न पार्ट में आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो कुर्ता है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड इस प्राइस में बहुत ही अच्छी डील है। कॉटन के मटेरियल में अगर हम आवासा के कुर्ते लेते हैं तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। कॉटन मटेरियल कुर्तों में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डेली वेयर में भी हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, साथ में हम इसे अच्छी सी ज्वेलरी के साथ में छोटे मोटे फंक्शन में बर्थडे पार्टी में हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये जो कुर्ता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एंड चलिए मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट। सो गाइस ये है मेरा थर्ड कुर्ता जो कि है सोना ब्रांड से, रेड कलर में ये कुर्ता है एंड मैंने फर्स्ट टाइम सोना ब्रांड से कुर्ता लिया हुआ है। एंड इस कुर्ते की जो क्वालिटी है मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ही ऑसम वाली क्वालिटी है इस कुर्ते की। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि ये कुर्ता हमें कैसा रिसीव हुआ है। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो कुर्ता है एक अनारकली कुर्ता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे फ्लेयर में ये वाला जो कुर्ता है अनारकली कुर्ता है। एंड इसमें हमें जो है राउंड नेक मिल जाता है, नेक में इस तरह से एम्ब्रॉयडर वाला डिज़ाइन बना हुआ है, थ्रेड वर्क मिलता है एंड पूरा जो योग पार्ट है उसमें जरी वर्क मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरह से योग पार्ट में पूरा जरी वर्क मिलता है। काफ़ी ब्यूटीफुल वाला जरी वर्क किया गया है, कैमरे में आप देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल है ये जरी वर्क। इसमें हमें 3-4 स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स में भी जो है इस तरह से एम्ब्रॉयडर वाला पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, गोल्डन थ्रेड से पूरा इसमें थ्रेड वर्क किया गया है एंड ऑल ओवर जो कुर्ता है पूरा प्रिंटेड कुर्ता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो पूरा प्रिंटेड कुर्ता है। फ्रंट साइड एंड बैक साइड इसका बोथ साइड जो है ये कुर्ता पूरा प्रिंटेड कुर्ता है, ऑल ओवर कुर्ता पूरा प्रिंटेड है। मटेरियल इसका रेयन मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट वाला मटेरियल है। एंड गाइस ये जो कुर्ता है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आई थिंक मैंने इसे 600 रुपीज़ में लिया हुआ है। इस प्राइस में जो कुर्ता है वॉर्म कुर्ता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। टर्न पार्ट में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है कुर्ता। ये कुर्ता वेडिंग सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, जैसे कि वेडिंग सीजन में हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें ये कुर्ता डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। इसे आप बहुत ही लाइट वेट लाइट ज्वेलरी के साथ में आप इसे कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो कुर्ता है इसका लुक जो है बहुत ही हेवी आ रहा है। सो ये कुर्ता मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आगे मैं आप लोगों के साथ में सोना ब्रांड के कुर्ते और भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाला जो ब्रांड है ये इसकी जो क्लॉथिंग मटेरियल है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, साथ में इसकी जो डिज़ाइन है इसका वर्क पैटर्न बहुत ही फाइन वर्क किया गया है, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसमें हमें की होल नेक डिज़ाइन मिल जाता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। सो ये कुर्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वियर करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। सो इस कुर्ते के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड गाइस चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। सो गाइस ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो कि है एक लेगिंग, जिसे कि मैंने आवासा ब्रांड से लिया हुआ है। ये लेगिंग जो है एंकल लेंथ है, इसका मटेरियल है कॉटन एंड इसे मैंने स्मॉल साइज में लिया हुआ है। इसे मैंने 280 रुपीज़ में लिया हुआ है। सो काफ़ी अच्छी लेगिंग है, इसका मटेरियल जो है काफ़ी थिक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल है एंड इसमें हमें इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। सो ये लेगिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इफ आप कम प्राइस में कुछ अच्छी लेगिंग देख रहे हो तो ये जो लेगिंग है बहुत ही अच्छी है, स्मॉल साइज मैंने लिया हुआ है, एंकल जितनी ये लेगिंग मुझे आती है। सो गाइस आज का हॉल वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। आपको आज के कलेक्शन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।